सोच रहे होंगे कि स्ट्रीट एनिमल्स के बीच आज ये हमारे पास रॉटविलर क्या कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि हम स्ट्रीट एनिमल का रेस्क्यू करते हैं, लेकिन एनिमल तो एनिमल ही होता है, ये भी रेस्क्यू करके ही आया है। बस फर्क इतना सा है कि स्ट्रीट एनिमल को हम स्ट्रीट से लेके आते हैं, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं होता है, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, और जब उसे कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसे रेस्क्यू करके लाना पड़ता है। लेकिन इस डॉग का अपना घर भी था, अपनी फैमिली भी थी, लेकिन फिर भी हमें इसे रेस्क्यू करके लाना पड़ा। कुछ लोग अपने बच्चों की ज़िद पे किसी एनिमल को ख़रीद लाते हैं, खिलौना बनाकर घर में रखते हैं, और जब वो खिलौना टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो उसे स्टोर रूम में पैक करके रख देते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। जब हम इसे लेने गए तो ये शटर में उस समय बंद था। पहले कहीं से इसकी फैमिली ने खरीदा था, और कुछ समय पहले इसकी लड़ाई कुछ डॉग्स से हो गई जिसमें इसे काफ़ी चोट आ गई थी। पीछे एनल पार्ट में इसे काफ़ी डीप वोंड हो चुका था, इसके यूरिन पार्ट में वोंड हो चुका था, इसके पैर में घाव था, और हर जगह मैगेट वोंड थे और काफ़ी डीप वोंड हो चुके थे। यूरिन पार्ट तो लगभग कट चुका था। इन्होंने उस समय किसी पैरावेट को कॉल किया। पैरावेट अपने बिना किसी डॉक्टर से सजेशन लिए हुए वो खुद ही डॉक्टर बन गया और उसका इलाज किया और वो घर चला गया। जब हमारी पैरावेट से बात हुई तो वो पैरावेट बताता है कि वो एक ही दिन उन्होंने उसके घर वालों ने इसे पैरावेट को बुलाया था इलाज के लिए, उसके बाद कभी नहीं बुलाया। उसके बाद कुछ दिन बाद इसके घर वालों ने अपने ब्रीडर को कॉल किया जहाँ से इस डॉग को ख़रीदा था, उसको बोला कि आप प्लीज़ इसे लेके जाइए, हम इसे और नहीं संभाल सकते हैं। उस ब्रीडर ने अपने किसी डॉक्टर को फ़ोन किया और उसकी कंडीशन को देखने बोला कि आप एक बार उसकी कंडीशन देखो। जब वो डॉक्टर उसकी कंडीशन देखने पहुँचे तो उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसका घाव ज़्यादा फैल चुका था उस मैगेट्स की वजह से, और उसकी फैमिली इलाज में सपोर्ट करना तो दूर, उसे टच भी करना सही नहीं समझ रही थी, और उन्होंने तो मना ही कर दिया फैमिली ने कि हम इसे दवा नहीं लगा पाएंगे, हम इसे इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो वो उन डॉक्टर ने लकीली वो हमें जानते थे, हम लोग एक दूसरे से पहले से कॉन्टेक्ट में थे, क्योंकि कई बार वो हमारे पास और भी एनिमल्स को ट्रीटमेंट देने के लिए आ चुके थे। तो उन्होंने हमें कॉल किया और इस एनिमल के बारे में बताया कि ऐसी कंडीशन है और क्या करना है। तो फिर हम लोग को लाना ही था इसे वहाँ, तो खैर हम रख भी नहीं सकते थे इतना सुनने के बाद। तो हम लोग उसे अपने घर लेके आए और उसका अभी इलाज चल रहा है। 90% उसका घाव ठीक हो चुका है, 10% बचा हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब वो खुश है, सबके साथ खेलता है, सबके साथ फ्रेंडली हो चुका है। अच्छा, इसका नाम मैं बता दूँ, इसका नाम टाइगर है, और इसके घर वालों ने ही इसका नाम टाइगर रखा था, हमने फिर चेंज नहीं किया, और हम सब लोग इसको टाइगर ही बुलाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि किसी जीते जागते जीव को लोग खिलौना कैसे बना डालते हैं। खैर, अब तो पेट रखना एक फैशन सा हो गया है, फैशन में पेट रख रहे हैं, खरीद के महंगे महंगे पेट्स लेके आ रहे हैं घर पे। अगर आपको अपने घर में भी ऐसे ही पेट रखना है तो आप इसके हकदार नहीं हैं, आप पेट्स मत रखिए। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पेट आपने ख़रीद लिया और वो आपकी जागीर बन गया, आप जैसे मन चाहे वैसे रख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट सेक्शन 11 के तहत आपको सजा भी हो सकती है। अपने पेट्स को भी अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझिए, जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर का को ज़रूरत पड़ने पर आप उनके साथ खड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पेट के साथ भी खड़े रहिए।
और अपना ख्याल रखिए, अपने पेट्स का ख्याल रखिए। नमस्कार।